हेलो फ्रेंड्स, केवाई रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं ककरौंदे, हरी मिर्च और प्याज, इन तीनों की सब्जी जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी लगती है और बनाना भी बहुत आसान है। आप बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी मैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ककरौंदे ले लिए हैं और इनको धो लिया है साफ करके। ये मैंने हरी मिर्च ली हैं, इनको भी धो लिया है। ये मैंने ककरौंदे आधे आधे करके काट लिए हैं दो पीस में, और ये मिर्च भी हमने छोटी छोटी काट ली हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी मिर्च होती हैं तो वो मुंह में आती हैं, फिर वो खाई नहीं जाती हैं और बच्चे भी खाना पसंद नहीं करते हैं, तीखी होती है। और ककरौंदे के सभी के हम बीज निकाल लेंगे। ये मैंने काट के फ्रिज में रख दिए थे, इससे इसका कलर काला हो गया है। आप ज़्यादा देर उठा के रख देंगे तो ककरौंदे काले हो जाते हैं, इसलिए इनको हाथ के हाथ काट के अगर बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, कलर चेंज हो जाता है, नहीं तो उसके बीज निकालने ज़रूरी है, नहीं तो खाने में वो अच्छे नहीं लगते हैं, थोड़ा टाइम तो लगता है। अब हमारा सामान तैयार हो गया है। अभी मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, ये गर्म हो गया है तेल। अब इसमें एक चम्मच राई डालूँगी, एक चम्मच जीरा, हींग, सभी को तड़कने देते हैं अच्छे से। अब इसमें ये मैं प्याज डालूंगी और इसको सुनहरा होने तक हम भून लेंगे चलाते हुए। ककरौंदे हमें बहुत ही फायदा करते हैं। ककरौंदे में विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, और भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं इसमें। इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ककरौंदा बहुत अच्छा होता है खाने में। आप इसका अचार भी बना सकते हैं, इसका मुरब्बा भी बना सकते हैं और इसकी सब्जी भी बना सकते हैं। ये सब्जी बिल्कुल मैंने, ये हरी मिर्च हम डाल रहे हैं इसमें, प्याज हमारी हो गई है, ये सब्जी बिल्कुल एकदम अचार जैसी है। आप 8 दिन आराम से रख के इसको खा सकते हैं और ये बरसात में बहुत अच्छी लगती है। आप दाल से, सब्जी से, पराठे से, पूड़ी से, जिसके साथ चाहें आप उसके साथ इसको खा सकते हैं। सभी के साथ ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। ककरौंदे में विटामिन सी और विटामिन ए की मात्रा भी पाई जाती है, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हमारी मदद करता है, इसलिए इसका हमें सेवन करना चाहिए। इसका सेवन करने से हम बहुत सारी बीमारियों से हम बच जाते हैं और इसमें फाइबर की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। अब इन सभी को हम अच्छे से भून लेते हैं। सभी को भूनने के बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। अब ये हम इसमें ककरौंदे डालेंगे। ये मैंने 250 ग्राम ककरौंदे लिए हैं, 100 ग्राम मोटी वाले मिर्च हैं और 250 ग्राम इसमें प्याज है। आप सामग्री अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं मात्र। हल्दी पाउडर, अब सभी को अच्छे से भून लेंगे। ककरौंदे धोने के बाद सुखा लीजिएगा, कपड़े से पोंछ लीजिएगा जब यूज कीजिएगा। मिर्च को भी धोने के बाद सुखा लीजिएगा इसका पानी, नहीं तो सब्ज़ी जल्दी ख़राब हो जाएगी। और जैसे जैसे मैं टिप्स आपको बता रही हूँ, आप टिप्स फॉलो करते जाइए। धनिया पाउडर,
नमक स्वाद अनुसार, ककड़ोंदे में विटामिन सी और विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है और ये हमारी रोधक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी सहायता करता है। इसे हमें खाने में शामिल करना चाहिए। आप इसका मुरब्बा, अचार, मीठा अचार, खट्टा अचार किस तरह से भी बना सकते हैं। कलौंजी, ये मैं आपको अचार और सब्जी दोनों का इसमें स्वाद मिलेगा। मैं इस तरह से बना रही हूँ ये, और आप 8 से 10 दिन तक रख के आराम से इसको खा सकते हैं, लेकिन गीला बर्तन इसमें कोई नहीं डालेगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी जल्दी। और जिस तरह से मैं बता रही हूँ आप ऐसे ही फॉलो करते जाइए और वीडियो को पूरी देखिए शुरू से एंड तक, तभी आपकी समझ में आती है। सौंफ पाउडर 2 चम्मच, सौंफ पाउडर, इसको अच्छे से भून लेते हैं। इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो आपकी सब्जी में फंगस लग जाएगी। जब भी आप निकालें तो सूखी चम्मच से ही निकालिए। इसमें मैंने 250 ग्राम ककरौंदा, 100 ग्राम मिर्च हरी मोटी वाली और 250 ग्राम प्याज लिए हैं। आप मिर्च कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने मिर्च ये मोटी वाली ली है। और जैसे जैसे मैं टिप्स बता रही हूँ आप उसी हिसाब से फॉलो करते जाइए, बनाइए, खाइए और हम बताइए हमारी रेसिपी कैसी बनी। और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आपका धन्यवाद। और वीडियो को पूरी शुरू से एंड तक देखिए, तभी आपके समझ में आती है। पहली बात, ककड़ौंदों को धो के पोंछ जरूर लीजिएगा और इसके बीज निकाल दीजिएगा। दूसरी बात, मिर्च को धो के सुखा लीजिए और उसका पानी सुखा लीजिएगा कपड़े से पोंछ के, और प्याज को अच्छे से भून लीजिए और पानी की मात्रा इसमें बिल्कुल नहीं रहे तो ये आपके लंबे टाइम तक चल सकती है। बनाइए, खाइए और हम बताइए। आपका धन्यवाद।